Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 18th of November 2019. 18 November 2019 का newspaper start करेंगे. Before we start, मैं बता देता हूँ कि October month का जो current affairs PDF है वो आज शाम तक release कर दिया जाएगा. I will be releasing that by today's evening. कई लोगों ने पूछा था इसलिए बताना ज़रूरी है कि October का जो PDF है वो हम शाम तक आज release कर देंगे हर हालत में. And before we start the news analysis, let's start with the questions first, जिनके answers आप करेंगे. इन questions के answers आप attempt करिएगा. देखो prelims में अगर आपको clear करना है तो there are four types of questions जो आपको solve करने हैं. एक आपको solve करने होंगे facts, एक आपको solve करने होंगे with the help of concepts, एक आपको solve करना होगा with the help of elimination, and एक आपको solve करना होगा with the help of common sense. These are the only four type of questions which come in the UPSC examination: fact based question, concept based question, elimination questions and common sense. और ये आप तभी solve कर पाएंगे जब आप when you are thoroughly मतलब practiced thousands of objectives. जब तक आप 1000-1500 objectives नहीं solve करेंगे आपको ये trick नहीं आएगी to clear the prelims examination. तो I'll request you that कि जहाँ पे भी आपको objective questions मिलते हैं वो सारे आप solve करने की कोशिश किया करिए. So on that note, let's start with the questions. पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने वाला प्रोटीन कौन सा? ऑप्शन सर ए बीटा मैक्रोग्लोबुलिन, बी गामा ग्लोबुलिन, सी इम्यूनोग्लोबुलिन या डी एल्ब्यूमिन. तो ये क्वेश्चन नंबर वन है. क्वेश्चन नंबर टू है, द टर्म रोज रेवोल्यूशन रिफर्स टू द चेंज ऑफ पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. रोज रेवोल्यूशन इनमें से किस कंट्री में चेंज ऑफ पावर को दिखाता है? ऑप्शन सर ए क्रोशिया, बी सीरिया, सी जॉर्जिया या डी किर्गिस्तान. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाट इज मैक्सो मिलिट्री? मैक्सो मिलिट्री इनमें से क्या है? रिसेंटली डीआरडीओ ने मैक्सो मिलिट्री लॉन्च किया था. डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो बताना है कि मैक्सो मिलिट्री क्या है. ऑप्शन आर ए हैंड कैरिड वेपन, यहाँ बी और सी ऑप्शन सेम हो गए लेकिन एक ही ऑप्शन मानिएगा इसको, राइफल कार्ट्रिज, डी मॉस्किटो रेपेलेंट. तो आपको बताना है कि ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब इसमें मॉस्किटो रेपेलेंट, राइफल कार्ट्रिज या हैंड कैरिड वेपन में क्या सही है मैक्सो मिलिट्री के रिगार्डिंग. क्वेश्चन नंबर फोर इज, वी कमांड. वी कमांड किसकी मीनिंग है? इनमें से चार रिट्स आपको पता है, रिट्स होती हैं जो जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है ना, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की रिट्स. उन रिट्स में वी कमांड किसकी मीनिंग है? ऑप्शन आर ए हेबियस कॉर्पस, बी क्वो वारंटो, सी मैंडेमस या डी सर्शियोरेरी. सो प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज फोर क्वेश्चन टूडे. लास्ट में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा लेकिन अटेम्प्ट करना आपका काम है, वो आप जरूर करिएगा, है ना, एज अ ट्रू एस्पिरेंट. अगर आप ट्रू एस्पिरेंट हैं तो आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. मुस्लिम लॉ बोर्ड टू फाइल रिव्यू प्ली अगेंस्ट अयोध्या वर्डिक्ट. देखो सुप्रीम कोर्ट का आपको नॉर्मल वर्डिक्ट वाला सीनारियो पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है और अगर कोई पार्टी से खुश नहीं तो वो क्या करेगी, रिव्यू पिटीशन डालेगी. रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन के बाद अगर उसका भी जजमेंट आ जाता है, नाउ सपोज सुप्रीम कोर्ट गिव्स द जजमेंट ऑफ रिव्यू पिटीशन ऑल्सो, देन लास्ट जो रिजल्ट रहता है वो कहलाता है क्यूरेटिव पिटीशन. तो ये बताना जरूरी था, मैं आपको बता दिया कि रिव्यू पिटीशन होता है जो डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का उसके अगेंस्ट, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी तो आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे. एंड अगर रिव्यू पिटीशन के बाद जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी अगर आप खुश नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं ना. तो ये प्रोसेस होती है. अब हम बात करते हैं जो न्यूज है. न्यूज ये है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो अयोध्या वर्डिक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अयोध्या वर्डिक्ट के अगेंस्ट उसने प्ली सुप्रीम कोर्ट में डाली है. अब आपको थोड़ा अयोध्या वर्डिक्ट और मुस्लिम लॉ बोर्ड के बारे में बता देता हूँ. पहले देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है. इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनी थी 1973 में टू अडॉप्ट द सुटेबल स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया. देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ है शरीयत. ओके, शरीयत. तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेसिकली यही देखता है कि जो मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स हैं उसमें जो शरीयत बेस्ड कंसेप्ट है वो लागू रहे. वो ये चीज़ें ओवरलुक करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज जो हैं वो उनको गवर्न करें, मतलब कि जो शरीयत बेस्ड गवर्नेंस है वो उनका मेंटेन रहे. ये चीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखता है. इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ये 1973 में बनी थी. अब देखो यूपीएससी जब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आर करेक्ट. ऑप्शन वन वो आपको देगा कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी. देखो यहाँ पे यूपीएससी ट्रिक खेलता है, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी. तो जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं अगर आपको इतना पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है ना कि गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है ना. बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट बता देता हूँ. बेसिकली 1949 में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ जब जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे
लॉर्ड राम से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे 1949 में, तो भगवान राम से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स निकाले गए थे इस मस्जिद से, बाबरी मस्जिद से, है ना। तो ये उस समय का डिस्प्यूट है। अब ये बेसिकली क्या प्रोपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि राम का जो जन्म हुआ था वो उसी रीजन में हुआ था 9 लाख ईयर्स अगो इन द त्रेता युग। त्रेता युग में ये जन्म हुआ था भगवान राम का, इन 9 लाख ईयर्स अगो त्रेता युग में जन्म हुआ था। जो मुस्लिम पार्टी है उसका क्या कहना है कि इट वॉज अ मॉस्क बिल्ड बाय, मतलब बिल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर बाबर। बाबर के कहने पे 16th सेंचुरी में ये 1482.5 स्क्वायर यार्ड्स का जो एरिया था उसको एक्वायर किया गया था और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और उसके पहले कोई राम जन्मभूमि यहाँ पे नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसा मुस्लिम उसका मानना है। देन दिस बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बाय द कर सेवक्स ऑन December 6, 1992। जो ये डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, ये 6 दिसंबर 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था 6 दिसंबर को। तो ये पूरा केस है। रिसेंटली जजमेंट आया कि जो जमीन थी उसको, जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको राम जन्मभूमि माना गया। उसके बाद अल्टरनेटिव 5 एकर जो लैंड है वो दिया गया मुस्लिम्स को फॉर क्रिएशन ऑफ अ मस्जिद ऑल्सो। ओके, तो दोनों पार्टीज को बैलेंस करते हुए किया गया। बट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि ये जो चीज़ थी वो गलत थी, ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है और पॉपुलिस्ट डिसीजन है, इसको पॉपुलिज्म के बेसिस पे दिया गया है ये डिसीजन, ना कि फैक्ट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं दिया गया। एक और चीज़ इस आर्टिकल में, इस न्यूज एनालिसिस में आई थी आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 142 क्या होता है बता देता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या है कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन मेक डिक्री। डिक्री जो वर्ड लिखा है ना उसका मीनिंग क्या होता है, डिक्री का मीनिंग बता देता हूँ आपको, कई बार लोग कन्फ्यूज रहते हैं। डिक्री का मीनिंग होता है ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट कैन पास ऑर्डर, लॉफुल ऑर्डर्स पास करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 142। ओके, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई ऑर्डर पास करना है तो सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ डिक्री, सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर विच विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इट नीड्स टू पास अ डिक्री और इट नीड्स टू पास एन ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट। सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 142 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉज पास कर सकता है, सीधे के सीधे एक ऑर्डर निकाल सकता है, एक डिक्री निकाल सकता है विच विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। वो थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल रहेगी और ये जो जो एग्जैक्ट डिक्री या ऑर्डर पास करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये आर्टिकल 142 आर्टिकल के अंदर का दी गई है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जो आप बोल रहे हो कि मस्जिद लैंड जो है आपने वो राम जन्मभूमि के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज़ बार्ड अंडर सेक्शन 104A एंड आर्टिकल 51A ऑफ द WAQF एक्ट, वक्फ एक्ट बोलते हैं इसको, है ना। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक्ट है वो वक्फ एक्ट है, उसके इस आर्टिकल या सेक्शन के अगेंस्ट है ये। तो ये सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कंसीडर दिस, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सब कहना है तो बिल्कुल आप कहते रह सकते हैं, बट द फाइनल जजमेंट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। द सेकेंड न्यूज इज गोताबाया विंस इन द प्रेसिडेंशियल पोल्स। तो श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, आप सबको पता है इसके बारे में। गोताबाया राजपक्षा जो कि महिंद्रा राजपक्षा के भाई भी हैं, तो गोताबाया राजपक्षा हैज वॉन दिस इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्ट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड गोताबाया राजपक्षा। सो आगे एक एडिटोरियल आएगा प्रॉपर, हम उसमें एनालिसिस करेंगे इसके बारे में कि क्या इसके मायने हैं, इस जीत के मायने क्या है इंडिया के लिए, है ना। बट फैक्ट आपको याद रखना है कि श्रीलंका का जो इस समय करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो गोताबाया राजपक्षा है, ही हैज वॉन द इलेक्शन इन श्रीलंका। सो दैट इज द न्यूज कमिंग फ्रॉम देयर। दिल्ली वाटर 100% सेफ सेज दिल्ली जल बोर्ड। अब कल की जो न्यूज थी, कल की न्यूज़ में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्टडी आई थी जिसमें बोला गया था कि दिल्ली का जो टैप वाटर है वो सबसे अनसेफ है अमंग द 21 स्टेट कैपिटल्स। ओके, तो ऐसा कल BIS की रिपोर्ट के अंतर्गत आया था। रिपोर्ट एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फूड की थी, है ना, एंड जो बॉडी थी वो थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसने कि ये बोला कि दिल्ली का जो वाटर है, जो स्टडी थी वो BIS की थी, उसने कहा कि दिल्ली का जो टैप वाटर है दैट इज़ मोस्ट अनसेफ, सबसे अनसेफ है। कोलकाता का भी उन्होंने बोला कि पुअर स्टेट में है। मुंबई वॉज द ओनली सिटी जिसका कहा था कि ये मतलब ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, अदर देन दैट दिल्ली का जो था सबसे अनसेफ बोला गया था। तो दिल्ली जल बोर्ड ने उसके रिस्पॉन्स में बोला है कि ऐसा नहीं है और रिपोर्ट इज़ नॉट येट फाइनल, और उनका उन्होंने देखा नहीं एवोल्यूशन, बट वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ गलती हुई होगी, अदरवाइज दिल्ली इज़ वाटर इज़ वेरी सेफ एज पर द दिल्ली जल बोर्ड, इट इज़ 100%
पोर्टेबल, आप बिल्कुल पोर्टेबल मतलब कि पिया जा सकता है, बिल्कुल 100% पोर्टेबल वाटर है, ऐसा BIS का कहना है। थोड़ा मैं आपको इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि BIS न्यूज़ में आया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा कि पूरे स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। देखो तो सबसे पहले जो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट बनता है आपकी कंट्री में, कोई प्रोडक्ट बना तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं इस चीज़ को पता करने की जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे सपोज जूते ही बनते हैं, सपोज शू बना एडिडास का, क्या वो यूज़ करने योग्य है या नहीं, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, उसका एक नाप होगा, उसका माप होगा, उसके क्वालिटी टेस्टिंग होगी। गाड़ी बनती है तो गाड़ियों में NCAP टेस्टिंग होती है, जो क्रैश टेस्टिंग की जाती है सारी चीज़ें कि वो यूजेबल है या नहीं, वो फाइनल यूज़ के लिए तैयार है या नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। इंडिया में जो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 1947 में। कब स्टार्ट हुआ? 1947 में, जब बना इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जिसको हम ISI कहते हैं ना, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन कब बना? 1947 में, और इसको रजिस्टर किया गया था एज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया था ISI को, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ओके, थोड़ा आपको पूरी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आप कर सकें। तो ISI कब बना था? ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। बना कब था? ये बना था 1947 में अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1860। ओके, इसके बाद टू प्रिपेयर एंड बनाया क्यों गया था? टू प्रिपेयर एंड प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स, तो कंट्री में नेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था, जो कि डिसाइड करेगी कि किस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी जो ज़रूरी होंगी उनको स्टैंडर्ड घोषित करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो गवर्नमेंट और ज़्यादा स्टैंडर्ड पे ध्यान दे रहा था, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इस कारण से उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि एक और बॉडी बनाई जाएगी, एक नेशनल स्टैंडर्ड की बॉडी बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, ताकि उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो कि ये डिसाइड करेगी कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे प्रोडक्ट्स के, और अलग अलग रेटिंग्स दी जाएंगी इस बॉडी के द्वारा, ये बॉडी टेस्ट करेगी, 5-star, 3-star, 4-star रेटिंग प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें BIS को दी गई। और BIS को बनाने का जो काम था वो पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया 1986 में, एक एक्ट पास किया गया इन द पार्लियामेंट 1986 एंड BIS उसके बाद 1 अप्रैल 1987 को बना। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कब बना? 1 अप्रैल 1987 को। एक्ट से बना है, कौन से एक्ट से? 1986 के BIS एक्ट से बना है। एंड इसके पहले ISI की हमने बात की, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जो कि 1947 में बना और वो रजिस्टर्ड है एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है। तो ये सारी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, स्टैटिक बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। JNU का इशू थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है JNU में। तो JNU में एक्चुअली की जो कॉलेज हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस को हाइक कर दिया गया, यानी कि कॉलेज हॉस्टल फीस को बढ़ा दिया गया, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने की प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो लोग अपने अपने घरों को छोड़ के इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल हॉस्टल फैसिलिटीज थी, बट अब जो रेट इस तरह से बढ़ाया गया है ये सही नहीं है, एंड इस कारण से वहाँ स्टूडेंट का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। वैसे पार्शियल हाइक बैक किया गया था, पार्शियल रोल बैक किया गया था कॉलेज फैसिलिटीज द्वारा JNU में, बट उससे लोग खुश नहीं, स्टूडेंट्स खुश नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हटाया जाए जो हाइक है, और जो रेट्स पहले थे वही सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इस पे जो VC है उनका कहना है कि रिटर्न टू क्लासेस और नेम्स विल बी रिलेटेड फ्रॉम द रोल्स, अगर आप क्लासेस में नहीं पहुंचे तो आपके नाम रोल नंबर से हटा दिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। सो दिस इज द न्यूज कमिंग फ्रॉम देयर। विंड हेल्प्स एयर क्वालिटी रीच पुअर कैटेगरी, तो दिल्ली के आपको पता है कि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। एयर क्वालिटी नापी जाती है एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा नापी जाती है। थोड़ा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक तो सिस्टम है जो कि मेजर करता है इस एयर क्वालिटी को, वो कहलाता है सफ़र। वॉट इज सफ़र? UPSC आपसे पूछेगा वॉट इज सफ़र, सफ़र वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वॉट इज इट, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो सफ़र का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ओके, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इंट्रोड्यूस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इंट्रोड्यूस किया है किसको? सफ़र को, जो कि कहलाता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये क्या देखता है? बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी में एयर की क्वालिटी क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग कलर कोडिंग है, अलग अलग
रेंजेस है, जैसे कि पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर वो एयर क्वालिटी को कैटेगराइज करता है। ओके, तो सफ़र बेसिकली कुछ इंडेक्स को मेजर करता है, उसके बाद इस बेसिस पे ये एयर क्वालिटी को पुअर, वेरी पुअर या एक्सट्रीमली पुअर इन अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। नाउ ये जो सिस्टम है डेवलप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, किसने डेवलप किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो कि कहाँ पर है? पुणे में है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सफर सिस्टम किसने बनाया, तो IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, और कहाँ पर है ये पुणे में है। ओके, और इसको जो ऑपरेशनलाइज करता है वो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑपरेशनलाइज करता है। तो कहाँ पर, किसने बनाया? IITM पुणे ने बनाया। ओके, और इसको ऑपरेशनलाइज करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको ऑपरेशनलाइज करता है। और बेसिकली सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है, फुल फॉर्म पता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। ओके, और रियल टाइम 24/7 बेसिस पे कलर कोडिंग देता है, जो कि 74 आवर्स एडवांस फोरकास्ट के भी काम आता है। कलर कोडिंग करता है 24/7 है, और 72 आवर्स एडवांस फोरकास्ट भी किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करती है, बेसिकली 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करती है, उसके बाद एक इंडेक्स वैल्यू निकालती है जिससे कि पता चलता है कि एयर की क्वालिटी क्या है, पुअर है, वेरी पुअर है, क्या है क्या नहीं है, ये डिसाइड होता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स है। UPSC अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉल्यूटेंट्स अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एयर पॉल्यूटेंट्स अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देख लेते हैं वो 8 कौन कौन से हैं। 8 है, पहला है पर्टिकुलेट मैटर PM10, जिसकी साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर होती है। देन होता है आपका PM2.5, जिसकी साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ओजोन O3 है, अमोनिया NH3 है, लेड PV है। ओके, और अगर हम नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इनमें 4 ऑल पॉल्यूटेंट्स जुड़ जाते हैं। तो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू कि आप बताएंगे कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या आता है। ओके, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अंदर कौन कौन से, इसमें 12 होते हैं, 8 मैंने आपको बता दिए, ये 8 तो रहते ही हैं, इसके अलावा 4 और होते हैं जैसे कि बेंजीन और बाकी आप बताइएगा मेरे को, ठीक है ना। तो दीज 4 विल बी नेम्ड बाय यू। तो विंड हेल्प्स एयर क्वालिटी रीच पुअर कैटेगरी में आ गई है दिल्ली की एयर। उसका रीज़न जो है वो विंड को बताया जा रहा है कि विंड जो आई तो थोड़ा ठीक हो गया कंडीशन। विंड क्या है, देखो बेसिकली विंड बता देता हूँ, एयर इन मोशन, सिंपल डेफिनेशन है, एयर इन मोशन इज विंड। और ये एयर का मोशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। सपोज एक गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है, ठंडी हवा के पास प्रेशर ज़्यादा रहेगा, गर्म हवा के पास प्रेशर कम रहेगा। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल करेगी, और जब ये मोशन करना शुरू करेगी इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन, तो ये कहलाएगा विंड। हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी नोन एज द विंड। तो आई होप आपको विंड, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफ़र सिस्टम, इन तीनों के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। तो यही जो था अपना एम, वो पूरा होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे मूव करते हैं। गिफ्ट 2500 पर एकड़ टू हरियाणा फार्मर्स फॉर नॉट बर्निंग स्टबल। अब यहाँ पे भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उन्होंने दिया है कि देखो तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1000 रुपये पर एकड़ दे रही है फॉर दोज फार्मर्स जो कि स्टबल बर्निंग नहीं कर रहे हैं। ओके, उनको 1000 रुपये दे रही है। तो यही ऑप्शन उन्होंने ये बोला है भूपिंदर हुड्डा ने कि और इसको बढ़ाओ रेट को, इसको 2500 रुपये कर दो तो नहीं करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली इस न्यूज़ को बताने का ये था आपको कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक दैट इस तरीके से जो पैसे बढ़ाने से या पर एकड़ ज़्यादा पैसे देने से फार्मर्स स्टबल बर्निंग करना बंद कर देंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचिए और लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में ज़रूरी है। एक्चुअली अपना एम प्रिलिम्स निकालना नहीं है, अपना एम पूरा UPSC एग्जाम क्लियर करना है। UPSC एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपका मेंस वाला पोर्शन सही नहीं है। तो एक जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो है कि वेदर गिविंग मनी टू द फार्मर्स विल चेंज देयर एटीट्यूड एंड दे विल नॉट डू द स्टबल बर्निंग, इज दैट करेक्ट कि पैसा बढ़ा दो तो वो स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे? तो ये कितना सही है, इसका आंसर ज़रूर आप करिएगा। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। नो एलिफेंट सफारी इन दुधवा दिस सीजन। अब यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है दुधवा नेशनल पार्क की, आपको लोकेशन ही याद रखना जरूरी था। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। सो दिस इज अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग, एक
सो यू कैन सी इट हेयर. नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, तो वो सेंचुरीज देख लेते हैं. हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हैं. तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के भी नाम बता दिए मैंने आपको. और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली वो कहाँ पर है, दुधवा टाइगर रिजर्व आपका जो है वो इंडिया नेपाल बॉर्डर में है, इंडिया नेपाल बॉर्डर में, और इस जगह पर लाई करता है. उत्तर प्रदेश में सेंचुरीज कौन कौन सी हैं फिर से, हस्तिनापुर, किशनपुर, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा, कैमूर, महावीर स्वामी, नवाबगंज, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी वर्ल्ड सेंचुरीज कहाँ पर हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये उत्तर प्रदेश में है. तो ये लोकेशन बताना ज़रूरी था. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. प्रोटेस्ट लाइंड अप अगेंस्ट द सिटीजनशिप बिल इन असम. अब बात चल रही है सिटीजनशिप की, बीजेपी क्या कर रही है, दोबारा से जो नेशनल सिटीजनशिप बिल था उसको दोबारा से लाने की बात चल रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाने की बात चल रही है, दोबारा से रिसेलेक्ट किया जाएगा. अब हम पहले बात कर लेते हैं एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, कि क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. देखो सिटीजनशिप एक्ट जो आया था वो 1955 में आया था. सिटीजनशिप बिल बेसिकली 1955 के एक्ट को अमेंड करने की बात करता है और कहता है कि 6 कम्युनिटी के लोग, यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, जो ये लोग 3 कंट्रीज से आएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 6 कैटेगरी के लोगों को, इन 3 कंट्रीज से अगर वो आते हैं तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी. अगर वो कब तक आ रहे हैं, अगर वो 31 दिसंबर तक आ रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो लोग आए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक अगर वो लोग आए हैं, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने में मदद की जाएगी. तो ये बेसिकली इस बिल का विरोध असम में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ओवरऑल इंडिया में ही चल रहा है, लेकिन असम में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा चल रहा है. क्यों चल रहा है, देखो मैं उसके रीजंस आपको बता देता हूँ. असम में भी रिसेंटली एनआरसी हुई है. असम का कहना यह है कि इतनी महंगी प्रोसेस आपने एनआरसी की कराई, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप. अब उस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप में जो कट ऑफ डेट है, वो डेट क्या दी गई है, वो डेट दी गई है 24 मार्च 1971. 24 मार्च 1971 उसमें डेट दी गई कट ऑफ की. तो अगर 24 मार्च 1971 के बाद के लोगों को, जिनके पास आईडीज़ नहीं है, इलीगल माइग्रेंट आप घोषित कर रहे हो, तो फिर आपने अचानक से 31 दिसंबर तक का ऑर्डर कैसे निकाल दिया इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में. दोनों बिल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. एनआरसी की पूरी जो मेहनत रहेगी वो तो मिट्टी में मिल जाएगी अगर आप एनआरसी भी लाते हो और उसके बाद आप बोल देते हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी आएगा जो कि 31 दिसंबर 2014 तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वहाँ के बाद आने वाले लोगों को भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा, तो फिर एनआरसी का मतलब ही क्या था. दिस इज़ द थिंग विच असम गवर्नमेंट इज सेइंग, असम इज सेइंग. दूसरी चीज़, असम अकॉर्ड भी यही कहता है. असम अकॉर्ड जो 1985 में आया था, असम अकॉर्ड कब आया था, 1985 में असम अकॉर्ड आया था. अब 1985 में जब ये असम अकॉर्ड आया था तो उसने यही कहा था कि 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे असम में. तो यही इशू है जो कि असम के लोगों को है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत ज़्यादा इसके अपोज में लोग वहाँ पर हैं. कुछ और फीचर्स हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के, और कंट्री लेवल पे भी इसको क्यों अपोज किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है जो ये बिल है. अगर आप इस बिल को ध्यान से देखें तो 6 कम्युनिटीज़ के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आती है, केवल हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, इनको अलाउ किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, और इनको ही केवल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी. तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब सेक्युलर बिल नहीं है, ये कम्युनल बिल है और ये इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र या कहना चाहिए कि नॉन मुस्लिम नेशन बनाने की एक कोशिश की जा रही है. सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द एलिगेशन, एंड इसी कारण से इसका पोजीशन चलता रहता है. कुछ और फीचर्स हैं इस बिल के अंतर्गत, ओके तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको. देखो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, देन एप्लीकेंट मस्ट हैव रेसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, पिछले एक साल में तो वो इंडिया में रहा ही हो, प्लस पिछले 14 सालों में से 11 साल उसने इंडिया में बिताए हों, तभी आप नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो ये जो 11 साल वाला पीरियड है ना, 14 साल में से 11 साल आपको इंडिया में रहना है, इसको घटा करके 6 साल कर रहा है. तो 11 से घटा करके इसको 6 साल कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया जा रहा है 6 रिलीजन कम्युनिटीज़ के लिए फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज़. ओके, कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी जो जो थी इंडियन लेवल पे और असम के लेवल पे दोनों. तो दिस इज़ द होल पॉइंट. 24 मार्च 1971 जो कट ऑफ डेट है असम अकॉर्ड की, ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा. एंड
कंसेप्ट समझो, ज्यादा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आपको नॉलेज होना चाहिए, आई बिलीव कि नॉलेज आपको ज्यादा होना चाहिए, और सारी चीज़ों के कंसेप्ट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश किया करिए कि क्या इशू है, इंडिया लेवल पे क्या इशू है, आसाम लेवल पे क्या इशू है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी। सीस्मोमीटर अदर की डिवाइसेस एट जायकावादी डैम गो आउट ऑफ ऑर्डर। तो जायकावादी डैम में जो सीस्मोमीटर लगा था, सीस्मोमीटर क्या होता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। सीस्मोमीटर क्या है, मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, उसको मेजर करने के लिए सीस्मोमीटर लगाया जाता है ना। एंड जायकावादी डैम जो है आपका कहाँ पर है, वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो औरंगाबाद में आपका जायकावादी डैम, और बहुत पहले एक अर्थक्वेक आया था लातूर में 1993 में। ओके, तो तब जायकाबादी डैम में यहाँ पे सीस्मोमीटर लगाया गया था। वो सीस्मोमीटर यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि ख़राब चल रहा है। जायकाबादी डैम की लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ इन औरंगाबाद। और दूसरा मैंने आपको बताया कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में 1993 में अर्थक्वेक आया था, तो वो भी आप याद रखिएगा। ओके, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे की देखते हैं न्यूज़। हाँ, कोई न्यूज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिस्कसेस वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए एक वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा सकता है, पेपर टू में। ओके, जीएस टू में ये क्वेश्चन मेंस में पूछा सकता है, एथिक्स में भी ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो जीएस टू और जीएस फोर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैसा क्वेश्चन आएगा कि डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल्सो, and how will it help or how will it curve the morality? Okay, तो ये बहुत important चीज़ है। देखो basically बात क्या चल रही है, discussion क्या चल रहा है, discussion ये चल रहा है कि code of conduct होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपने आप को अपनी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में किस तरीके से एक दूसरे के सामने बिहेव करते हैं, या क्या वो बोलते हैं, क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एवरीवेयर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों होनी चाहिए, देखो मेरा पॉइंट क्या है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि बाइंड करता है इन सारे लोगों को, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, इनको कौन देखता है, कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। ओके, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है जिसको कि मेंटेन करना चाहिए। और जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, जब इस तरह के आप पब्लिक फिगर रहते हो, तो आपके कहने का एक इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। वॉट एवर यू से दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट वो पर्सनल ओपिनियन काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करता है, दैट इम्पैक्ट्स मेनी पीपल। सो वॉट एवर यू से, यू शुड बी थॉरली इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट थिंग, कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, एंड वॉट इम्पैक्ट विल इट क्रिएट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि जो रेप्स हैं, जो इंडिया में रेप हो रहे हैं, रेप के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ कह दिया था। ओके, तो एक रेप के रिगार्डिंग कुछ ओपिनियन आ गया था, बट दैट ओपिनियन क्रिएटेड बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है कि एक तो एथिकल स्टेटमेंट्स नहीं रहते हैं, दूसरा कि जो विक्टिम्स होते हैं, रेप विक्टिम्स होते हैं, उनके साथ इम्पैथेटिक नहीं रहते हैं। ओके, तो एक तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स आपको नहीं निकालने चाहिए जो कि इस तरीके की बातें करें, जो कि इम्पैथेटिक ना हो, सिंपैथेटिक ना हो, और जो कि इस तरीके की अनकम्पैशनेट चीज़ें हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को शोभा नहीं देता। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, एक एथिक्स एथिकल गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। इसलिए आप कोड ऑफ कंडक्ट की बिल्कुल बात कर सकते हैं, एंड कुछ कर्व्स होने चाहिए। आपके पास 100% एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के पास नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें जो कि डिस्कशन चल रहा है, एंड आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आप कुछ विचार देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव दैट, क्योंकि उससे ही आपका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ेगा, है ना। तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। आज का जो मेन एडिटोरियल है वो लिखा गया है मनमोहन सिंह द्वारा, एंड मनमोहन सिंह ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आर्टिकल लिखा है। इट इज़ ऑन द स्लो डाउन इंडियन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। लेट्स सी दैट, रिटन बाय मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले उन्होंने स्लो डाउन के एविडेंसेस दिए हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द स्लो डाउन, तो लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ एविडेंसेस के स्लो डाउन। पहला जो है वो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है, इट इज़ एट द 15 ईयर्स लो। जो जीडीपी ग्रोथ है नॉमिनल, वो 15 साल में सबसे कम है इस समय।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 45 ईयर्स हाई, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन इज एट 4 डिकेड लो, जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है वो पिछले 40 सालों में सबसे कम है इस बार। बैड लोन्स इन द बैंक आर एट ऑल टाइम हाई, जो बैड लोन्स हैं, जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बैंक में बढ़ते जा रहे हैं, वो इस समय सबसे ज़्यादा है। ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज एट अ 15 ईयर लो, जो ग्रोथ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो पिछले 15 सालों में सबसे कम है। तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि एविडेंस देती है कि इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। क्यों ये स्लोडाउन चल रहा है? द फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ फियर इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सबसे पहले तो क्लाइमेट ऑफ फियर का एक थोड़ा डर का माहौल है, दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर, कि एक फियर का माहौल है सोसाइटी में एंड इकोनॉमी में जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी स्टेट ऑफ सोसाइटी को। दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं दे फियर हरासमेंट बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री होल्डर्स हैं, उनको लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनको हैरेस करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, ये दूसरा जो इशू है। थर्ड इज बैंकर्स आर रिलेक्टेंट टू मेक न्यू लोन्स, बैंकर्स जो हैं वो नए लोन्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार कोई पैसा लेके भाग रहा है, कोई NPA बना दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों से जो बैंकर्स हैं वो भी लोन देने में थोड़ा कतरा रहे हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेनर्स जो है दे आर हेजिटेंट टू पुट अप द फ्रेश प्रोजेक्ट्स। क्यों? उनको लग रहा है कि यार देखो हो सकता है सफलता मिले ना मिले, अनसर्टेन टाइम्स हैं। तो जो एंटरप्रेनर्स हैं वो भी कुछ नया शुरू करने में कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। सो ये कुछ रीजंस हैं जो कि स्लोडाउन के रीजंस हैं। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं वो भी ग्रोथ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजी जब आएगी, ऑटोमेशन आएगा, जब ऑटोमेशन आएगा तो लोग भी कम रहेंगे, लेकिन एंटरप्रेनर्स एक तो नई चीज़ें करने से कतरा रहे हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट R&D चल नहीं रहा इंडिया में, इसलिए टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं। देन पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट भी जो है वो सही पॉलिसीज नहीं बना रही, दे आर नॉट एबल टू मेक क्लियर पॉलिसीज। तो पॉलिसी पैरालिसिस टाइप की चीज़ भी होने की बात मनमोहन सिंह करते हैं। देन पब्लिक ट्रस्ट जो है वो घटता जा रहा है, पब्लिक ट्रस्ट घटता जा रहा है ऑन द बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, चाहे CBI हो चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हो, इनके ऊपर जो पब्लिक ट्रस्ट है वो घटता जा रहा है, इस कारण से भी ये स्लोडाउन आया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनको मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने दिए हैं एंड आप इनका यूज़ कर सकते हो एज अ एस्पिरेंट। देखो एस्पिरेंट ना किसी पार्टी का होता है ना किसी रिलीजन का होता है, एस्पिरेंट केवल अपना सिलेक्शन देखता है। आपको भी अपना सिलेक्शन देखना है, जहाँ से भी पॉइंट आपको मिले अच्छे पॉइंट आपको उठा लेने हैं चुपचाप, है ना। तो ये नहीं देखना कि यार ये मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आप एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट का कोई ना रिलीजन है ना एस्पिरेंट की कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये सारी चीज़ें मनमोहन सिंह ने कही हैं। एंटरप्रेनर्स के बारे में जो उन्होंने कहा है वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो टैक्स कल्चर है इंडिया का वो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो GST हो या कुछ भी हो, इंडिया के लोगों को अभी GST भी प्रॉपरली समझ में नहीं आया। तो दिस इज़ ऑल्सो सेड बाय मनमोहन सिंह दैट कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जो स्लोडाउन का रीज़न है। देन मोदी गवर्नमेंट का एक और उन्होंने मतलब क्रिटिकल वो किया है कि मोदी गवर्नमेंट में यू आर मालाफाइडी अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक कि आप खुद को नॉट गिल्टी प्रूव नहीं कर देते तब तक आपको गिल्टी माना जाता है इन मोदी गवर्नमेंट, चाहे वो ग्रीन पीस NGO की बात की जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात की जाए। तो ये भी एक रीज़न है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेनर्स हैं या बिजनेस हाउसेस हैं, वो कुछ भी नया करने से कतरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और उसके बाद उनको दोषी साबित कर दिया जाए। नाउ वॉट कैन बी डन? सो मनमोहन सिंह हैज़ गिवन द सोल्यूशन ऑल्सो। फर्स्ट इज दैट यू शुड बूस्ट द डिमांड। सबसे पहले तो आपको हाउस होल्ड डिमांड या हाउस होल्ड कंजम्पशन आपको बढ़ाना है। हाउस होल्ड कंजम्पशन हमने देखा ऊपर में सबसे बहुत कम है पिछले 40 सालों में। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, डिमांड को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तभी ग्रोथ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तभी ग्रोथ बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ाने की बात की जाती है, यानी कि जो कंजम्पशन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ये कैसे बढ़ेगा? ये फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू बढ़ेगा। देखो दो तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज वो जो बैंक करता है, ये रेपो रेट ये वो, फिस्कल पॉलिसीज वो जो गवर्नमेंट करता है ना। तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट करता है एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आपकी बैंक्स करती हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू आपको ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज़ बोली, स्टैगफ्लेशन से बचना चाहिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो स्टैगफ्लेशन इज अ टर्म मेड फ्रॉम टू टर्म्स, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू स्टैगफ्लेशन। तो एक तो स्टैगनेंट मतलब कि ग्रोथ ना हो रही हो,
यानी कि प्रोडक्शन ना बढ़ रहा हो ना कंजम्पशन बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा हो, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो लेकिन प्रोडक्शन ना बढ़ रहा हो, तो ये जो कंडीशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बेकार सिचुएशन है। इंडिया में स्टैगफ्लेशन नहीं है, ये आप याद रखना ये चीज़ कि इंडिया इज नॉट इन द स्टेट ऑफ स्टैगफ्लेशन। यूपीएससी अगर चाहेगा तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ स्टैगफ्लेशन करेंटली, तो बिल्कुल गलत है, इंडिया बिल्कुल नहीं है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में, तो ये आप याद रखिएगा दिमाग में। लेकिन हम पहुंच सकते हैं अगर इस तरह के सिनेरियो रहा कि ग्रोथ नहीं बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ा और इन्फ्लेशन जो रेट है वो हाई हो रहा है, तो वो अगर चीज़ें चलती रही तो ज़रूर हम स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ओके, तो वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ स्टैगफ्लेशन, बट अगर ये इस तरीके से फिस्कल पॉलिसीज को नहीं चेंज किया गया या कंजम्पशन प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया गया तो ज़रूर हम स्टैगफ्लेशन में पहुंच जाएंगे। बैक टू द राजपक्षा, दिस आर्टिकल इज ऑन श्रीलंकन इलेक्शन। तो श्रीलंकन इलेक्शन हुआ था, मेजर कंटेंडर्स थे गोताबाया राजपक्षा, सजीत प्रेमदासा, और उस दोनों में जो गोताबाया राजपक्षा थे ही हैज़ वॉन द इलेक्शन, ही इज़ द प्रेजिडेंट इलेक्ट। कैसे जीत गए? एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी पिछली पार्टी के अगेंस्ट, वो था, देन इकोनॉमी में एनजाइटी थी, इकोनॉमी सही नहीं चल रही थी, स्लो डाउन था कंट्री की इकोनॉमी में, देन करप्शन बहुत ज़्यादा था, करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे पिछले जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर, पिछले प्रेजिडेंट इलेक्ट उसके ऊपर, तो ये एक रीज़न था। देन फोर्थ इज़ दैट ईस्टर बॉम्बिंग, तो एक सिक्योरिटी का भी इशू था, सिक्योरिटी और यहाँ लोग घबराए हुए थे ईस्टर बॉम्बिंग के बाद, तो इकोनॉमी का रीज़न था, करप्शन था, ईस्टर बॉम्बिंग से एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक एंटी इनकम्बेंसी, ये चार रीज़न थे जिनके कारण की कहना चाहिए गोताबाया राजपक्षा की जीत हुई है। कुछ आर्टिकल में राजपक्षा के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं, उन्होंने दिए हैं, फर्स्ट सजेशन दैट यू शुड अलाउ द फियर्स दैट टू टर्म लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड। कुछ लोगों को ये डर है श्रीलंका में, कि कहा जा रहा था कि श्रीलंका में जो नई प्रेसिडेंट बनेंगे वो जो टर्म्स हैं कि अभी कोई प्रेसिडेंट दो बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, वो डर लोगों के अंदर आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक डिस्पोटिक रिजीम बना दी जाए, एक मतलब अथॉरिटेरियन समझ रहे ना कि डिक्टेटरशिप टाइप की चीज़ ना कर दी जाए, तो ये जो डर है लोगों का ये ख़त्म करने की बात सजेशन किया है ऑथर ने, कि राजपक्षा को चाहिए कि वो लोगों को क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो लिमिट है दो टर्म की प्रेसिडेंट के ऊपर वो लिमिट रहेगी, श्रीलंका में आप दो बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, दो टर्म के लिए ही बन सकते, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, बट लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टर्म हटा दिया जाए। देन इकोनॉमी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एथनिक हार्मनी रखनी है, एथनिक हार्मनी क्यों, क्योंकि अलग अलग आपको पता है वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, सिन्हालीज स्पीकिंग लोग हैं, देन माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग लोग भी आते हैं, तमिल स्पीकिंग लोग हैं, तो सिन्हालीज तमिल जो अलग अलग रेसेस वहाँ पे हैं उनमें एक हार्मनी बनाने की ज़रूरत है, तो ये सजेशन भी ऑथर ने दिया है। देन यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटागनाइजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनको एंटागनाइज करने की, आप जो श्रीलंका की हमेशा से श्रीलंका ने किया है वो आपको बंद करना पड़ेगा, ये सजेशन भी राजपक्षा को दिया गया है। देन इंडिया के साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, इंडिया देखो राजपक्षा की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी नहीं जाती इंडिया के लिए, वो प्रो चाइनीज़ मानी जाती है, तो अब आप पावर में आ गए हो तो ऐसा नहीं कि आप एंटी इंडिया चले जाओ, आपको कोशिश ये करनी है कि आप इंडिया के फेवर में ही रहो, दिस इज अगेन अ सजेशन फॉर द राजपक्षा। ओके, द फॉल्स एल्योर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग, अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय अंजलि मोदी। ओके, तो अंजलि ने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है ये, द फॉल्स एल्योर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग। ओके, ये वाई एस जगनमोहन रेड्डी को आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया था उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, वो आंसू ला देने वाले आर्टिकल नहीं होते जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें बोली जाती हैं, वो वैसे लेवल का आर्टिकल है, देख लेते हैं। इशू है अभी वाईएस जो आर जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आंध्र प्रदेश के उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब वाई एस जगनमोहन रेड्डी का जो ये बयान था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या ये डिसीजन सही है, विल इट वर्क, क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर देने से प्रॉब्लम्स एजुकेशन की सॉल्व हो जाएंगी, उसका एनालिसिस किया गया है। पहला जो क्वेश्चन आता है कि वाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर बीइंग प्रमोटेड, क्यों प्रमोट किया जा रहा है। फर्स्ट इज देयर इज अ बिलीफ दैट इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग कैन गारंटी गुड जॉब्स, एक लोगों के अंदर बिलीफ है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूलिंग होती है उससे जॉब्स अच्छे मिलते हैं, दिस इज अ बिलीफ। सेकंड इज दैट इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंड फैमिलीज अभी क्या कर रही थी आंध्र प्रदेश में, जो इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंड फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से हटा करके इंग्लिश मीडियम में डाल रही थी, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये भी देखा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कि यार लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ ही भाग रहे हैं, तो क्यों ना सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये दो प्रॉपर मेजर रीजंस हैं जो कि हैं बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। लेकिन इसके साथ इस मूव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या देख लेते हैं,
फर्स्ट इज दैट दिस विल नॉट इंप्रूव द लर्निंग. पहली चीज तो ये मान के चले कि इससे लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी. क्यों इंप्रूव नहीं होगी? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में बहुत जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, लेकिन ऐसा है जरूरी नहीं कि केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. ऐसा माना गया है कि अगर बच्चे को प्राइमरी लेवल पे उसकी मदर टंग में लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसके ऑलराउंड ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो दूसरी लैंग्वेज सीखने में अपना पूरा टाइम निकाल दे. उसको उसकी लैंग्वेज में सिखाना चाहिए ताकि पूरा जो इम्फेसिस है वो लर्निंग में रहे. दूसरा जो है रिसर्चर्स ने भी यही कहा है, मतलब जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को माना है उन्होंने भी यही कहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल इज़ नॉट अ सोल्यूशन. इंग्लिश मीडियम स्कूल सोल्यूशन नहीं है. गवर्नेंस इंप्रूव करो, टीचिंग जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ये सोल्यूशन है कि अच्छे टीचर्स लाओ, ना कि स्कूल्स का टाइप चेंज करते रहो. इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों बराबर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है टीचिंग में, डिफरेंस आता है गवर्नेंस में, डिफरेंस आता है एडमिनिस्ट्रेशन में. उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत है. तीसरा कि जो इस गवर्नमेंट स्कूल्स को आप इंग्लिश मीडियम कर तो दोगे, लेकिन वहाँ इंग्लिश पढ़ाएगा कौन? वो वही गवर्नमेंट टीचर्स होंगे जो तेलुगु स्पीकिंग टीचर्स हैं. तो ऐसे में क्या होगा कि प्रॉपर जो टीचिंग है वो नहीं हो पाएगी, प्रॉपर बच्चों को सीख नहीं मिल पाएगी. केवल आप नाम का ऑन पेपर तो कन्वर्ट कर दोगे, बट इन प्रैक्टिस जो है वो सही वहाँ पे जो परकुलेशन है वो नहीं हो पाएगा. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. देन एक और चीज़ है इसमें, एक और बहुत बड़ा इशू ये भी आता है कि देखो क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज का. लैंग्वेज का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस है गवर्नेंस का. तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का गवर्नेंस आपको प्रॉपर करना है, और लैंग्वेज से चेंजेस नहीं आएंगे. लैंग्वेज भी इशू है, लैंग्वेज भी आता है, लेकिन वो बाद की बात है. पहले आपको गवर्नेंस और आपको एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना है, टीचर्स की ट्रेनिंग को अच्छा करना है, मेक श्योर करना है कि टीचर्स क्लासेस को लें. पहले तो सबसे बढ़िया ये देखो कि क्लासेस ली जाएँ. टीचर्स क्लास ही नहीं लेते हैं काफ़ी जगहों पे, है ना? तो आप में से कई लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, टीचर्स को जानते होंगे, तो दे कैन गिव देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस ऑल्सो. ओके, और जो ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, ये मतलब एक तरीके से आप सोच रहे हो कि इससे इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी, इससे लोग बिल्कुल नॉलेजेबल बन जाएंगे, तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन है जिसको कि दूर करना ज़रूरी था. दीज ऑल थिंग्स हैव बीन सेड बाय दी अंजलि मोदी, एंड ये अच्छा आर्टिकल था मेरे हिसाब से. आपके क्या ओपिनियंस हैं आप ज़रूर उसमें लिख सकते हैं. क्वालिटी ऑन टैप, दिस इज़ रिगार्डिंग द टैप वाटर क्वालिटी जो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने दिया है. उन्होंने कहा है कि जो टैप वाटर की फैसिलिटी है इंडिया में वो अच्छी नहीं है. दिल्ली की वर्स्ट टैप वाटर क्वालिटी बताई गई थी, कोलकाता की, चेन्नई की पुअर क्वालिटी थी, वेरी लो क्वालिटी थी, और मुंबई इज़ द ओनली सिटी विद द एक्सेप्टेबल रिजल्ट. मुंबई का ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्टेबल क्वालिटी का आता है. Why this situation? क्यों ऐसा है कि municipal water fails these tests due to lack of accountability of the official agencies? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो municipal के जो कर्मचारी हैं they fail the test because of lack of accountability. कोई accountability लेने के लिए तैयार नहीं है. एथिक्स में एक चीज़ आप पढ़ेंगे कि जब तक accountability आप नहीं दोगे किसी के ऊपर, जब तक आप किसी को accountable नहीं ठहराओगे, answerable नहीं ठहराओगे, तब तक चीज़ें administration की नहीं सुधरेंगी. Things will not improve in the administration. Okay? Till the time you can, जब तक कि आप लोगों को अकाउंटेबल या आंसरेबल नहीं ठहराते हो, तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ उन्होंने बोली. दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है नेमिंग एंड शेमिंग वाली कि दिल्ली बहुत बेकार है, कोलकाता चेन्नई पुअर है, क्या ये काम करेगी? ओके, तो देखो इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे. ऑथर का कहना है कि दिस इज अनलाइकली टू यील्ड रिजल्ट, दिस विल नॉट फेच रिजल्ट इन दिस. ओके, आपको कोशिश करनी कि जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, जो अर्बन सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव करो, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करो. आप ये नेमिंग शेमिंग से काम नहीं चलेगा. गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी. गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कि करप्शन ना रहे इस लेवल पे. गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए. तो ये सब चीज़ें आप सॉल्यूशंस में लिखते जाइए. जो मैं बोलता हूँ ना मुँह से, उसको आप सॉल्यूशंस में लिखते जाइए. करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि आपको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. ऑम्बुड्समैन रखने चाहिए. ऑम्बुड्समैन क्या करेंगे कि वो एक तरीके से ओवरलुक करेंगे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे. दूसरा, आपको उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए. म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उनको प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड करो ताकि वो काम कर सकें, साफ सफाई इस तरीके के काम कर सकें. एक और सोल्यूशन ये भी बोला है ऑथर ने कि आपको साइंटिफिक अप्रोच रखनी है. क्यों? देखो ऐसा कहा जा रहा है कि पानी को साफ करना है तो आप केवल क्लोरीन डाल देते हो, उसमें क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई करते हो, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका वाटर स्मेल चेंज हो जाती है, लेकिन आप सिर्फ क्लोरीन के सॉल्यूशंस डालते हो. तो ऑथर का सजेशन ये है कि आप क्लोरीन के अलावा भी कुछ नए मॉडर्न टेक्निक्स, नए टेक्नोलॉजीज का यूज़ करो, दूसरी कंट्रीज से हेल्प लो, और तब देखो कि किस तरीके से आप टैप वाटर को अच्छा कर सकते हो. दूसरा, उन्होंने कहा कि आप वाटर मैनेजमेंट को भी प्रॉपर करो. क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा. बहुत सारी सिटीज़ में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, 2020 तक ही खत्म हो सकता है. तो
ग्राउंड वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करो ताकि ग्राउंड वाटर आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रोवाइड हो सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन देर इज़ अ मतलब एक आपको अलग से एजेंसी बनाने की ज़रूरत है जो कि स्टेट लेवल पे काम करे, ओके। एंड आपको सेम एजेंसी पे ही हर समय रिलाई नहीं करना है कि एक ही बॉडी है जो कि हर चीज़ देख रही है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग लेवल पे आपको बॉडीज़ बनानी चाहिए जो कि वाटर के लिए स्पेसिफिक एक बॉडी हो जो कि ये चीज़ देखे और उसके रिगार्डिंग काम करे। तो ये भी एक सजेशन है जो कि ऑथर ने दिया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। केवल और केवल आप नेमिंग शेमिंग से काम नहीं चलेगा। रिटर्न ऑफ द राजपक्षा रिजीम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि महेंद्र राजपक्षा के भाई जो हैं गोताबाया राजपक्षा, उनकी जीत हुई श्रीलंका में, ही हैज कम बैक टू द पावर। और सिन्हाला का जो पॉलिटिकल बेस है उसके कारण ये जीत में आया, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ थे उनकी, उन्होंने इनके अगेंस्ट वोट किया था, मैंने कि तमिलियंस जो हैं और जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी उन्होंने इनके अगेंस्ट वोट किया था, लेकिन ही हैज़ बिन ब्रॉट बैक टू द पावर बिकॉज ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग। तो जो सिन्हाली बोलते थे भाषा, उनके कारण ये पावर में आए हैं। तो अब ऑथर ने क्या बोला है कि देखो वॉट हेल्प्ड राजपक्षा, सबसे पहले रूरल पॉपुलेशन एंड लोअर मिडिल क्लास ने हेल्प किया। देन इकोनॉमिक सिचुएशन, ये मैंने ऊपर बता दिया है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, करप्शन हो रही थी रूलिंग पार्टी द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, एंड जो सिरीसेना और विक्रमा सिंघे थी उनकी गवर्नमेंट की काफ़ी फेलियर हो गई थी, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया सिक्योरिटी बेसिस पे भी, इकोनॉमिक बेसिस पे भी, इस कारण से जीते हैं। लेकिन ऑथर ने इस आर्टिकल में यही चीज़ बोली कि जो राजपक्षा है उसको इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि पहले जैसे 2014 में काम होता था श्रीलंका के साथ, उन्होंने श्रीलंका के शिप्स को भी, नेवल शिप्स को भी अप्लाई अलाउ कर दिया था अपने कोस्ट में हार्बर करने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच रिलेशंस को बिगाड़े। ये सजेशन ऑथर ने फाइनली दिया है। बात कर लेते हैं सेक्युलरिज्म इन द टाइम ऑफ सिक्योरिटी। यहां पे सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है। जो आर्टिकल है वो रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का है। तो यहां सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात मैंने ऊपर भी की थी, फिर से बता देता हूं कि छह कम्युनिटीज जो कि है हिंदूज, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैनीज एंड सिख एंड क्रिश्चियंस, ये अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रहे हैं तो इनको 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर ये आए हैं तो इनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। अब ऑथर ने ये कहा है, जो ऊपर के पॉइंट थे वही सेम चीज़ है। एंड यहाँ दो चीज़ ये की कि दे विल नॉट फेस डिपोर्टेशन अंडर द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920, दे विल नॉट फोर्स गेट डिपोर्टेड। अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले इन कम्युनिटीज़ के लोग इन तीन कंट्रीज से आए हैं तो इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और इनको फॉरनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत भी नहीं डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि इनको हेल्प किया जाएगा 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत, इनको सिटीजनशिप दिलवाने की कोशिश की जाएगी। अब इसका अपोज बहुत ज़्यादा किया गया, क्यों किया गया, सेकुलरिज्म के नाम पे, क्यों, क्योंकि इसमें एक टारगेट कम्युनिटी है। देखो आपने देखा होगा कि एक टारगेटेड कम्युनिटी है, कौन सी, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है छह कम्युनिटीज़ के अंतर्गत। तो केवल पांच छह ऐसी कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ही सिटीजनशिप दिलाया जाएगा, मुस्लिम्स को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तो इंडिया के जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है। इंडिया का जो स्पिरिट है, जो सेक्युलर नेचर है, जो प्रियम्बल में मैंशनड है, वी मतलब कंस्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सेक्युलर रिपब्लिक जो वर्ड है उसके अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो एक ये रीज़न है जिस कारण कि इसको अपोज किया जा रहा है। दूसरा, ऑथर ने बोला कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, इतने अलग अलग रिलीजन हैं, इतने मल्टीपल एथनिसिटी के लोग हैं, इतनी रेसेस रह रही हैं, इतने अलग अलग रिलीजन्स फॉलो होते हैं, हाउ कैन यू ट्राई टू मेक इंडिया इंटू अ हिंदू राष्ट्र और नॉन मुस्लिम कंट्री, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कुछ जो कंसर्न्स हैं वो इस आर्टिकल में उठाए गए हैं। दूसरा, एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स जो होती हैं वो ये बोलते हैं, देखो यहाँ एक मैंने हाईलाइट किया है, देखो इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट रेफ्यूजीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर आप रेफ्यूजीज को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इंटरनेशनली तो वो गलत है, ओके। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने बोला कि नॉन मुस्लिम, यानी कि छह कम्युनिटीज में मुस्लिम तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। तो वही चीज़ें ऑथर ने बोली कि एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, यानी सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, जो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में आया था। दूसरा, ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी आता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट रिफ्यूजीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये इसके कुछ क्रिटिक्स हैं, इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है, ये GS2 में प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, GS2 में आएगा।
तो वहाँ पे आप इसके क्रिटिक दे सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के। एक तो सेक्युलर स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेक्युलर वर्ड है और सेक्युलरिज्म जो था उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया था एस आर बम्बई केस के बाद। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा एस आर बम्बई जो केस था 1994 का, उसमें सेक्युलरिज्म के अंदर डाला गया था, सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया था और बेसिक स्ट्रक्चर आया था केशवानंद भारती केस से। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट रिफ्यूजीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, तो ये भी एक क्रिटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम का क्रिटिक आपको बता ही दिया मैंने कि 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट थी। असम अकॉर्ड में भी यही बात बोली गई थी और असम अकॉर्ड के अगेंस्ट जाता है ये, तो ये भी एक इशू है। तो दीज वर द आर्टिकल्स जो कि यहाँ पे वर्थ थे, जिनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट ऑल्सो। राज्यसभाज मोमेंटस डेज कैन नाउ बी चेरिस्ड फॉर एवर। अब यहाँ पे क्या है, देखो अपर हाउस जो राज्यसभा की पहली सिटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी। पहले मैं आपको बताता हूँ राज्यसभा की जो पहली सिटिंग थी वो कहाँ हुई थी, 1952 में हुई थी। और अभी जो इस मंडे को जो सिटिंग है वो 250th सेशन शुरू हो रहा है, राज्यसभा का 250वां सेशन, 250वां सेशन शुरू होने वाला है। उसके रिगार्डिंग एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952। ओके, राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है, ओके ये भी याद रखिएगा, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। एंड लॉन्गेस्ट सिटिंग जो हुई थी वो 17th दिसंबर 1981 में हुई थी, 4:43 AM तक लॉन्गेस्ट सिटिंग कब हुई थी, 17th दिसंबर 1981 में, रिगार्डिंग द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग हुई थी 17th दिसंबर 1981, 4:43 AM तक ये सिटिंग हुई थी। ओके याद रखिएगा राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952। आज तक राज्यसभा की जो पहली सिटिंग थी वो 13th मई 1952 में हुई थी, 13 मई 1952 को पहली सिटिंग हुई थी, 13 मई 1952 को पहली सिटिंग हुई थी। लॉन्गेस्ट डिबेट जो हुआ है अभी तक वो हुआ है राजीव गांधी की सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि लिट्टे के बाद श्री पेरम्बदूर में जो एसेसिनेशन हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा डिबेट हुआ था, लॉन्गेस्ट डिबेट हुआ था ये उसी की रिगार्डिंग, ये 12 घंटे का डिबेट था। ओके एंड आज तक केवल जो पूरी 67 ईयर्स की इतिहास जो रहा है 67 सालों का राज्यसभा का, उसमें केवल 3 ऐसे ही मेंबर्स हैं जिनको एक्सपेल्ड किया गया, उनमें से एक साक्षी महाराज भी है, रिसेंटली साक्षी महाराज को किया गया था। तो 3 ही मेंबर्स हैं जिनको कि आज तक एक्सपेल्ड किया गया है। राज्यसभा के बारे में बताएं, इट्स कॉल्ड इट इज़ नोन एज द परमानेंट चैम्बर और कंटिन्यूइंग चैम्बर कहा जाता है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है इसको, परमानेंट मेंबर का क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ये हमेशा उसमें रहती है, कभी ये डिसॉल्व नहीं होती, इट कैन नॉट गेट डिसॉल्व, क्यों, क्योंकि हर 3 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर करते हैं और फिर उसके बाद तीसरे साल में वैकेंसीज के बेसिस पे इसको फिल किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स रिटायर इन द राज्यसभा और ये कंटिन्यूम चलता रहता है, कंटिन्यूम होता है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, इस कारण से ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्स एज द 46th चीफ जस्टिस, तो रंजन गोगोई रिटायर हो गए हैं। एंड एस ए बोबड़े, अब जो नए 67th हैं हमारे, जो सॉरी 47th जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े, एस ए बोबड़े, इनको बनाया गया है CJI, है ना, तो ये याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 47th चीफ जस्टिस कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। गोताबाया राजपक्षा, मैंने कई चीज़ें बता दी, क्यों जीता, कैसे जीता। IPO अहेड ऑफ IPO अरामको वैल्यूज इटसेल्फ एट 1.71 ट्रिलियन डॉलर। अरामको आपको पता है ना, सऊदी अरेबिया का जो ग्लोबल एनर्जी मेजर है वो अरामको। ओके तो अरामको ने IPO डिक्लेयर किया है। अब देखो IPO क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी, इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। देखो एग्जांपल दूंगा, सपोज मेरी कंपनी एक्स है, सपोज माय नेम स्टार्ट्स विद एस, तो लेट माय कंपनी इज एस। अब मेरी कंपनी एस है, इट्स ओन्ड बाय मी, ओके ओन्ड बाय मी, 100% ओन्ड बाय मी। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं कुछ दिनों बाद ये बोलूँ कि अब मैं 100% ओन करता था बट मैं इसके 5% जो स्टेक्स हैं वो सेल कर दूंगा टू द पब्लिक, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के लिए, यानी कि आम जनता के लिए मैं अपने 5% शेयर ओपन कर दूंगा। तो ये जो 5% मतलब 100% से अब मैं 95% ही ओनर रह जाऊँगा, 5% मैंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो ये जो फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ ना,
फर्स्ट टाइम जो मैं ओपन कर रहा हूँ कि 5% मैंने ओपन कर दिया आम जनता के लिए, तो ये जो 5% है ये आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने स्टार्ट में अपनी जो प्राइवेट कंपनी थी मेरी उसको मैंने पब्लिक बना दिया, प्राइवेट को मैंने पब्लिक बना दिया। ओके, पब्लिक कैसे बनाया, अपने शेयर्स को सेल करके। सेम गोज विद अरामको ऑल्सो, इट्स स्टेट ओन्ड और वहां पे वो इसको इसके स्टेक्स को सेल करने वाले हैं। वो कितना सेल करने वाले, मैं 5% कर रहा था, ये 1.5% करेंगे। तो 1.5% जो स्टेक्स हैं वो सेल करेंगे और इसको पब्लिक बनाया जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द डेफिनेशन बता देता हूँ कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है इट्स अ प्रोसेस by which a private company can go public by selling its stocks। एक private company public company बन सकती है by selling its stocks। तो कितने भी हो सकते हैं, 1.7%, 1.5%, 5%, 10%, 50%, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे Aramco जो है वो 1.5% सेल करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, काफ़ी इजी है। इजीली मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया भी, कोशिश किया है। ये तो बर्बाद वाले पेजेस हैं। इंग्लिश जिनको नहीं आती उनके लिए कुछ चीज़ें हैं। नर्ड कौन होता है, अ नर्ड इज समवन हु इज सोशली वेरी ऑकवर्ड। इंटेलिजेंट हो लेकिन सोशली ऑकवर्ड हो, सोशली ऑकवर्ड हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत गुड लुकिंग ना हो पर इंटेलिजेंट बहुत हो, है ना, चश्मा लगाता हो एंड समझ ना आए बोलना क्या है क्या नहीं बोलना किस कंडीशन में, ये पब्लिक कन्वर्सेशन में ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए तो वे नर्ड कहलाते हैं। दूसरा टाइगर बाय द टेल, मीनिंग क्या होता है टाइगर बाय द टेल की, टाइगर बाय द टेल का एक्सप्रेशन का मतलब ये है, यू हैव टेकन अ टास्क विच इज़ नॉट ट्रूली, फॉर विच यू आर नॉट ट्रूली प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने केवल ल्यूसेंट पढ़ी है ना, आपने यूपीएससी स्टार्ट कर दी, मतलब आपने बोला कि मैं इस बार यूपीएससी एग्जाम दूंगा क्योंकि मैंने ल्यूसेंट पढ़ लिया, देन यू आर कैचिंग टाइगर बाय द टेल, यू आर हैविंग अ टाइगर बाय द टेल, यू हैव टेकन अ टास्क फॉर विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। दो टर्म्स है, क्रेडिबल और क्रेडुलस। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, साउंडिंग बिलीवेबल, मतलब वो एक पॉजिटिव कोनोटेशन है। क्रेडुलस का मतलब क्या है कि जो आदमी बहुत आसानी से भरोसा कर ले, गलत चीज़ पे भरोसा कर ले। तो अगर आप क्रेडुलस हैं तो आप बहुत आसानी से भरोसा कर लेंगे, मतलब आप तैयार बैठे हो किसी चीज़ पर भरोसा करने, किसी ने आपसे कुछ कहा आप बिल्कुल तैयार बैठे हो, आपने भरोसा कर लिया, तो क्रेडुलस है, निगेटिव कोनोटेशन है ना, याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिनट। यहाँ पे दो टावर्स की बात की गई है, एक है अजीतगढ़ टावर। अजीतगढ़ टावर ये न्यू दिल्ली में है। इट वॉज बिल्ट टू कम्यूमरेट द ब्रिटिश फील्ड फोर्स, ब्रिटिश फील्ड फोर्स को कम्यूमरेट करने के लिए बनाया गया था। देन प्रेजेंटली ये 1857 के जो हीरोज थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए है अजीतगढ़ टावर। अगर आपसे कोई पूछते हैं अजीतगढ़ टावर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, क्या है, किस काम आता है, टू गिव रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स ऑफ हीरोज ऑफ 1857 के रेबेलियन के। दूसरा जो है बात चल रही है शाहबुर्ज की। शाहबुर्ज क्या है, इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ये भी इंडिया में ही है। ओके, एंड रेड फोर्ट में दिल्ली में ही है, शाहजहां शाहबुर्ज बनाया था एंड ये याद रखेगा, है ना। तो ये दो चीज़ थी। यहाँ पे क्या करता है शाहजहां, बेसिकली अपने जो मेन सबसे क्लोज इंटीमेट ग्रुप था उनके साथ डिस्कशन करता था स्टेट के रिगार्डिंग। सो दिस वाज द न्यूज़, सो दीज आर द न्यूज़ आइटम्स फॉर टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट। आंसर्स मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आंसर है डी एल्ब्यूमिन। रोज रेवोल्यूशन का जो आंसर है वो है जॉर्जिया। मैक्सो मिलिट्री जो है वो एक मॉस्किटो रेपेलेंट है। वी कमांड मैंडेमस है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, हैविंग द बॉडी ऑफ। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड, है ना। तो ये आपकी सारी चीज़ याद होनी चाहिए। दीज आर द आंसर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन द टॉपिक्स। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।